अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रॉयल डेलिकेसीज। आज मैं आपके लिए शीर खोरमा की रेसिपी लाई हूँ, मुरादाबादी स्टाइल। इस रेसिपी से अगर आप शीर खोरमा बनाएंगे तो आपका शीर खोरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। चलिए आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है, फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए आप। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, यहाँ पे पिस्ता ले लिया है, बादाम ले लिए, दोनों 20-20 ग्राम हैं। 10 ग्राम चिरौंजी है, 10 ग्राम किशमिश है, 20 ग्राम छुआरे हैं, 20 ग्राम काजू है और 20 ग्राम नारियल है। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 100 ग्राम मावा लिया है मैंने। चावल लिए हैं मैंने 100 ग्राम। 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क है और 60 ग्राम यहाँ मैंने सिवैयाँ ली हैं, इसे क्रश करके रखा है। 200 ग्राम हमें शक्कर चाहिए होगी, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1 पिंच सैफरन को मैंने पानी में भिगो के रखा है। सबसे पहले चावलों को पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा दूध डाल के दूध बॉयल करेंगे हम। दूध में बॉयल आने लगा तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावलों का पेस्ट धीरे धीरे चलाते हुए डालिएगा वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसे चलाते रहेंगे हम, इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है अभी। और साथ में इसमें मैं अपनी सेवैयाँ डाल दूँगी। आप चाहे तो सेवैयों की क्वांटिटी चावलों की क्वांटिटी सेम भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें चावल थोड़े से ज़्यादा जाते हैं तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। जब चावल और सेवैयाँ हमारे अच्छे से गल जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आप लो कर दीजिएगा यहाँ पे, जब चावल और सेवैयाँ पक जाएं। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे वो डाल दिए यहाँ पे। इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ मावा और कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से इसे चलाते हुए पकाना है लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए ये पक रहा है। अब मैं यहाँ डाली हूँ शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, चख लीजिएगा इसे, जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से डालिएगा। शक्कर घुल जाएगी और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट हमें इसे पकाना है। ये देखिए बनकर तैयार है, बिल्कुल बेहतरीन शीर बना है ये और बहुत ही आसान है ये रेसिपी। इसमें हमने बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स को या सेवैयों को अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।